गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सीएमए इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर रहे थे। लास्ट डे बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन लाइफ जो चल रहा था वो बीच में रुक गया, इंटरनेट भी चला गया एंड जिसके कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी तक हमने चार एएस रिवाइज कर लिए, एएस 1, एएस 11, एएस 12, AS 16। ये चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने रिवाइज करके कंप्लीट कर लिए। आज हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे को लगता है एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने मिलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ऑन लीजेस। ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में एक चैप्टर बनाकर दिया गया है। वैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बट आपको एक चैप्टर बनाकर दिया गया है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से 7 मार्क, 5 to 7 मार्क का एक क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे सो दैट हम लोग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू कर ले। लीजेस क्या होता है? लीजेस एक अग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, वन पार्टी नोन एज लेसर, अदर पार्टी नोन एज लेसी। जिस अग्रीमेंट के तहत लेसर अपने एसेट का राइट टू यूज करने का राइट लेसी को ट्रांसफर करता है। लेसर लेसी को बोलता है, ले भाई तेरे को एसेट यूज करना है, ले ये एसेट ले मेरा, तू यूज कर ले आराम से, और ये जो तू यूज करेगा मेरे एसेट को, इसके लिए तू मेरे को टाइम टू टाइम लीज रेंटल का पेमेंट करेगा। एक अग्रीमेंट जिसके तहत लेसर अपने एसेट का राइट टू यूज ट्रांसफर करता है लेसी को, और लेसी उसका पीरियोडिकल पेमेंट करता है यूज करके, जिसको हम लोग बोलते हैं लीज रेंटल का पेमेंट। ये लीज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग AS 19 आपको सिखाएगा इन दी बुक्स ऑफ बोथ लेसर एंड लेसी। लीज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लीज को क्लासिफाई करना पड़ता है, वेदर द लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज और द लीज इज अ फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज वो जनरल रेंटल अग्रीमेंट, जहां पे हम सिर्फ एसेट यूज करने के लिए दे रहे हैं सामने वाले को, रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू द एसेट आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द लेसी। हम लोग एसेट का रिस्क और रिवॉर्ड खुद रिटेन कर रहे हैं। एसेट में जो भी फ्यूचर में रिस्क हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, वैल्यू का अप डाउन होगा, वो सारा का सारा रिस्क रिवॉर्ड हम होल्ड करते हैं, हम सिर्फ लेसी को एसेट यूज करने के लिए देते हैं। ये हो गया ऑपरेटिंग लीज, जो हमने अपने सेंटर भाड़े पर ले रखे हैं, जहां पर रेगुलर हम हर महीना यूज करके भाड़ा देते हैं लैंडलॉर्ड को, वहां पर हमने ऑपरेटिंग लीज के अग्रीमेंट कर रखे हैं। हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, जो भी रिस्क रिवॉर्ड रिलेटेड टू द एसेट है वो हमने अंडरटेक नहीं कर रखा है। वही फाइनेंस लीज इज अ लीज, जहां पर लेसर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू द ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है लेसी को। लेसर सिर्फ लेसी को एसेट यूज करने के लिए नहीं दे रहा है, वो एक तरीके से एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है इन सब्सटेंस टू द लेसी। यहां पर काम करता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब ट्रांजेक्शन का लीगल फॉर्म आपको कुछ और दिखाई दे सकता है, बट जब इन सब्सटेंस आप देखोगे ना ट्रांजेक्शन को, आपको यही दिखाई देगा लेसर ने ना एसेट का रिस्क रिवॉर्ड रिलेटेड टू ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर कर दिया है। जैसे हायर परचेज में आपको एसेट दिया, आप एसेट यूज करो, धीरे धीरे मेरे को पेमेंट करते जाओ, जिस दिन आप सारा पेमेंट कर दोगे ओनरशिप भी हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो ओनरशिप इन लीगल फॉर्म ट्रांसफर नहीं किया हमने, बट जैसे जैसे आप पेमेंट कर दोगे लास्ट में ओनरशिप हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली लेसर को एसेट से कोई प्यार नहीं है, लेसर तो अपना पैसा और उस पर ब्याज वसूलना चाहता है, वो एसेट लेसी को ही दे देगा, लेसर खुद एसेट नहीं रखना चाहता। उस लीज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज। ये सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है जब आप एक लीज अग्रीमेंट में एंटर करते हो, कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। दोनों लीजेस की अकाउंटिंग डिफरेंट है, इसीलिए पहले ये क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। सर हमको कैसा पता चलेगा कोई लीज फाइनेंस लीज है या नहीं? AS 19 आपको 5 ऐसे सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करता है, बोलता है अगर ये सिचुएशंस आपको लीज अग्रीमेंट में दिखाई दे, आप लीज को एक फाइनेंस लीज मान के ट्रीट करोगे। पहला, जैसे ही लीज टर्म खत्म होगा लेसर ओनरशिप ऑफ द एसेट लेसी को ट्रांसफर कर देगा। लेसर ने लीज अग्रीमेंट में बोल रखा है एसेट की लाइफ 10 साल है, 5 साल का लीज टर्म है, तुम 5 साल तक यूज करो, 5 साल जैसे ही खत्म होगा एसेट तुम्हारा हो जाएगा, वापस मेरे को देने का दरकार नहीं है। यहां पे एक इंडिकेशन है कि लेसर को एसेट से कोई प्यार नहीं है, लेसर एसेट उसी को देना चाहता है, बस वो अपना पैसा और इंटरेस्ट वसूलेगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। नंबर टू, लेसर ने लेसी को एक ऑप्शन दे रखा है टू परचेज दी एसेट एट दी एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के बाद तुम एसेट परचेज कर सकते हो, और ये जो परचेज का प्राइस रखा गया है ना वो इतना लो रखा गया है कि रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी फ्यूचर में जाके ये एसेट परचेज कर लेगा। मान लो 5 साल के बाद का हमने फेयर वैल्यू एस्टिमेट किया, आया 1 लाख रुपया, लेसर बोला सिर्फ 20,000 देना एसेट तुम्हारा, और हमको लगता है लेसी ले ही लेगा, लेसी कोई हालत में ना नहीं कर सकता, देन इन दैट केस हम बोलेंगे ये लीज फाइनेंस लीज है।
अगर जो लीज टर्म है वो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है, एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट अगर हमने लीज पर एसेट को दे रखा है, मतलब हमको एसेट से कोई नहीं प्यार नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंस लीज। मेजर पार्ट बोला गया 75% और मोर। से फॉर एग्जाम्पल एक एसेट का लाइफ 5 साल है, आपने उसको 4 साल के लिए भाड़े पर दे दिया, यानी 80% ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ आपने उसको रेंट पर दे दिया, वो लीज फाइनेंस लीज माना जाएगा। नंबर 4, एसेट स्पेशलाइज नेचर का है और लेसी को छोड़ के और कोई आदमी उस एसेट को यूज नहीं कर पाएगा विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। एंड नंबर 5, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। जो लीज पेमेंट्स फ्यूचर में हमको मिलने वाले हैं, लेसर को जो लीज पेमेंट्स फ्यूचर में मिलने वाला है, उसका अगर आज आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू विल बी सब्सटेंशियली कवरिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ द लीज इंसेप्शन। आज जो एसेट का फेयर वैल्यू चल रहा है, अगर फ्यूचर के सारे लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू के आसपास होगा, बोलते हैं 90% या उससे ज्यादा होगा। अगर मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है वो 90% या उससे ज्यादा फेयर वैल्यू को कवर कर रहा है, मतलब लेसर ने ये जो एसेट भाड़े पर दिया है ना, ये एसेट भाड़े पर देके वो एसेट का पूरा कॉस्ट विद इंटरेस्ट सामने वाले से वसूल कर रहा है, इन दैट केस ये लीज फाइनेंस लीज माना जाएगा। ये 5 कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर आपको लीज अग्रीमेंट में दिखे तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक लीज फाइनेंस लीज है। ये कंक्लूड करने के बाद फिर आपको अकाउंटिंग चालू करनी है लेसर और लेसी के बुक्स में। सबसे पहले फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग, फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग अगर किसी को याद करना है, जर्नल एंट्रीज, इट इज सेम एज हायर परचेज। लेसी हो गया हायर परचेजर, लेसर हो गया हायर वेंडर। हायर परचेज में अपने क्या सीखते थे, जो परचेजर है वो सबसे पहले एसेट को रिकॉर्ड करेगा, जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यहां हम एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। फिर हर साल जब जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट का टाइम आएगा वो इंटरेस्ट जोड़ के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट जोड़ेगा तो इंटरेस्ट वो खर्चा की तरह रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर, पेमेंट करेगा तो वो एंट्री करेगा लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सेम एंट्रीज आप हायर परचेज में करते थे, मशीनरी टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि एसेट मैंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया तो डेप्रिसिएशन मेरे को हर साल चार्ज करना पड़ेगा, मैं एंट्री पास करूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये 4 एंट्री लेसी हर साल करता है, हर साल मतलब एट द बिगिनिंग करता है, उसके बाद हर साल इंटरेस्ट जोड़ेगा, पेमेंट करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। फर्स्ट वाली एंट्री जिस दिन हमने एसेट परचेज किया, एसेट फाइनेंस लीज पर लिया, उस दिन एंट्री हो गई, उसके बाद हर साल मैं इंटरेस्ट जोड़ूंगा, पेमेंट करूंगा, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा और यह सिलसिला चलते चला जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लेसर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का खर्चा है वो साल दर साल पीएल में चला जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं। बस जब आप पहली वाली एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना, मशीन को रिकॉर्ड करोगे और एक लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे जो आपको लेसर को पेमेंट करना है, ये आप हमेशा रिकॉर्ड करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो आपको करने हैं लेसर को। लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट में 2 चीजें आएंगी, नंबर 1 आएगा लीज रेंटल, नंबर 2 आएगा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो लेसी ने किया है लेसर को। लीज रेंटल और जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेसी ने लेसर को किया है, इन दोनों का आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उस प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे आप ये एंट्री पास करोगे। बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, व्हिच एवर इज लोअर। जनरली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आपको लोअर दिखेगा तो उसी के ऊपर आपको ये करना है। मिनिमम लीज पेमेंट में 2 चीजें आती है, एक लीज रेंटल आता है और एक गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू जो लेसी ने लेसर को वादा कर रखा है। तो ये एंट्री आप पास करोगे, हर साल आप इंटरेस्ट जोड़ के लेसर को पेमेंट करोगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करोगे, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन पीएल में डालोगे, जैसे आप हायर परचेजर का अकाउंटिंग करते थे, सेम लेसी के बुक्स का अकाउंटिंग है। लेसर अपने बुक्स में सबसे पहले एसेट का सेल रिकॉर्ड करेगा, एसेट को वो बेच रहा है, लेसी को बेच रहा है, उसका रिकॉर्ड करेगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री वो पास करेगा लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेसी अकाउंट वो रिकॉर्ड करेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पर, एसेट वो क्रेडिट करेगा कैरिंग अमाउंट पे। अगर ये नेट इन्वेस्टमेंट लीज और कैरिंग अमाउंट पे कोई डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस पीएल में जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज का प्रेजेंट वैल्यू। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में आता है लीज रेंटल, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड रेसिडुअल के वैल्यू क्या होता है, टोटल एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू जो लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है माइनस जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेसी ने दे रखा है या किसी थर्ड पार्टी ने दे रखा है, वो टोटल रेसिडुअल वैल्यू माइनस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू करेंगे तो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आ जाएगा। ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है, यानी लेसर को जो इस एसेट से फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाले हैं, चाहे वो लीज रेंटल चाहे वो रेसिडुअल वैल्यू, उनका अगर आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट
इन्वेस्टमेंट इन लीज, और इस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पे वो लीज एसेट रिकॉर्ड करेगा, लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, जो उसको पैसा लेसी से लेना है ओवर द लीज टर्म। वो एंट्री पास करेगा लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट, अगर कैरिंग अमाउंट और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में कोई डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस पीएल में जाएगा, वो डिफरेंस पीएल में जाएगा। और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इन लीज और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के बीच का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। मान लो टोटल मेरे को कैश फ्लोज आने वाला है 1 करोड़ रुपए का, प्रेजेंट वैल्यू निकाला वो वैल्यू आया 80 लाख, तो जो 20 लाख मेरे को उसके ऊपर मिलने वाला है वो 20 लाख रुपया इंटरेस्ट है जो ओवर द लीज टर्म लेसर धीरे धीरे इनकम बोल के रिकॉर्ड करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बिगिनिंग में, और हर साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट इनकम लेसर रिकॉर्ड करेगा जो हम लोगों को एंट्री पास करके रिकॉर्ड करना होगा। तो लेसर सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करेगा लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट को बुक से हटाएगा और लेसी का लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा जो पैसा लेसी से लेना है। वो फिर हर साल उस पर इंटरेस्ट इनकम जोड़ेगा लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेसी को पेमेंट, लेसी से पेमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। डेप्रिसिएशन लेसर चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने बुक से एसेट ऑलरेडी डी रिकॉग्नाइज कर दिया। AS 10 बोलता है एक बार अगर आप एसेट डी रिकॉग्नाइज कर देते हो तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज नहीं करना है, तो लेसर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन लेसी अपने बुक्स पे रिकॉर्ड करेगा। लेसर सिर्फ लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा जो लेसी से पैसा लेना है, एंड उसके बाद उसका जो पैसा उससे मिलते रहेगा विद इंटरेस्ट उसको रिकॉर्ड करेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है लेसर जो पहला वाला एंट्री पास करेगा वो पास करेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पर, लेसी एसेट रिकॉर्ड करता है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है एट फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। लेसर लेसी को रिकॉर्ड करता है एसेट को, एसेट लेसी का रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आता है, मिनिमम लीज पेमेंट लेसी वाले में अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू नहीं आता है। तो अगर आप ये देखोगे एकदम हायर वेंडर का अकाउंटिंग है, वो एंट्री करता है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट, उसके बाद हायर परचेजर पर इंटरेस्ट चार्ज करता है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। एकदम सेम जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्री अलग से याद मत करना, हायर परचेज वाली एंट्री यहां पर आएगा। सिर्फ वैल्यू ध्यान रखना कौन सा वैल्यू हमको यहां पर लेना है, मेन वो वैल्यू है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। टोटल कितना कैश फ्लोज मिलेगा लेसर को, लीज रेंटल प्लस रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड एंड अनगारंटीड, उसका प्रेजेंट वैल्यू हो गया नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का डिफरेंस हो गया अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑपरेटिंग लीज में। ऑपरेटिंग लीज में लेसर और लेसी लीज रेंटल की अकाउंटिंग करता है नॉर्मल इनकम और एक्सपेंस की तरह। लेसर को लीज रेंट मिल रहा है वो इनकम रिकॉर्ड करेगा, लेसी लीज रेंट पे कर रहा है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। जर्नल एंट्री लेसर एंट्री करेगा लेसी अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल, लेसी अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, लीज रेंटल इनकम बोल के पीएल में चला जाएगा। लेसी एंट्री करेगा लेसर उसे उसको पैसा देना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर, पेमेंट करेगा लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रेंट का जो खर्चा है वो पीएल में चला जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो नॉर्मल जैसे हम लोग रेंटल अकाउंटिंग करते हैं, जो भाड़े पर दिया है वो रेंट इनकम रिकॉर्ड करेगा, जो भाड़े पर लिया है वो रेंट का खर्चा रिकॉर्ड करेगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखने लायक है, क्या बात, जब लेसर या लेसी या लीज इनकम लीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा वो हमेशा रिकॉर्ड करेगा स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर, स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर वो पूरा का पूरा खर्चा रिकॉर्ड करेगा इस लीज रेंटल को। अगर लीज रेंटल हम दिख रहे हैं अनइक्वल है, और अनइक्वल होने का कारण नहीं है बस लेसर ऐसे ही सेट किया है लेसी के साथ अग्रीमेंट में, देन इन दैट केस हम सारे लीज रेंटल को टोटल करेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ मंथ करेंगे, एंड हर मंथ या ईयर में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे खर्चा या इनकम रिकॉर्ड करूंगा। से फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसेट को लीज पर दिया है 3 साल के लिए, 3 इयर्स लीज। ये 3 इयर्स लीज में भाड़ा कैसा रहेगा, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख पर एनम। मैं बोला ऐसा भाड़ा क्यों सेट किए, बोला बस ऐसे ही सेट किए, तुमको यही देना है। मैं बोला ये इंक्रीज क्या हर एनुअल इंक्रीज है कि लाख रुपया भाड़ा आप इंक्रीज करते हो हर साल, बोला नहीं यार हम ऐसे ही भाड़ा सेट किया ताकि थोड़ा सा पैसा वैसा टाइम से हम अरेंज कर सके, इनकम विनकम सही से दिखा सके, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिस्टमेटिक बेसिस नहीं है, बस मैंने ऐसे ही सेट कर दिया। अगर उसने ऐसे ही सेट कर दिया, आप जब इनकम रिकॉर्ड करोगे खर्चा रिकॉर्ड करोगे तो ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप इन सारे लीज रेंटल का पहले स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अमाउंट कैलकुलेट करोगे, 1.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 इयर्स, यानी 2.5 लाख रुपया पर एनम, और इसके हिसाब से आप लीज इनकम और लीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। पहले साल आप जर्नल एंट्री पास करोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, लीज रेंट अकाउंट डेबिट, मैं लेसी का अकाउंटिंग कर रहा हूं, 2.5 लाख रुपया खर्चा दिखाएंगे, 2.5 लाख रुपया टू बैंक
पेमेंट करेंगे 1.5 लाख रुपया एज पर अग्रीमेंट टू डेफर्ड रेंट, डेफर्ड रेंट 1 लाख रुपया। ये जो 1 लाख रुपया हम इस साल कम पे किए हैं, चिंता मत करो, थर्ड ईयर में ज्यादा पे भी करना होगा तो ये थर्ड ईयर में जाके रिवर्स हो जाएगा और थर्ड ईयर में आपको 3.5 लाख रुपया पेमेंट करना है। बट जो आप खर्चा रिकॉर्ड करोगे, इनकम रिकॉर्ड करोगे, वो आपको 2.5 लाख ही रिकॉर्ड करना है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। तो जब भी इनकम या एक्सपेंस लेसर लेसी रिकॉर्ड करेगा, वो हमेशा रिकॉर्ड करेगा ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो अगर लीज रेंटल बेकार का ऊपर नीचे है तो आपको क्या करना है, सारे लीज रेंटल को पहले टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स करके आपको स्ट्रेट लाइन लीज रेंटल कैलकुलेट करना और उसके हिसाब से आपका इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। जो डिफरेंस होगा वो डेफर्ड रेंट है, वो डेफर्ड रेंट अपने आप फ्यूचर में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा जब कम बेसी पेमेंट होगा। यहां पे क्योंकि लेसर रिस्क और रिवॉर्ड रेसी को ट्रांसफर नहीं कर रहा, एसेट लेसर के बुक्स में ही रिकॉर्डेड रहेगा और डेप्रिसिएशन भी लेसर ही चार्ज करेगा एसेट पे, नॉर्मल अपना दूसरे एसेट पे जैसे वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। फाइनेंस लीज में क्या हुआ था, लेसर ने लेसी को रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया तो एसेट लेसी रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन लेसी चार्ज किया। यहां पर एसेट का रिस्क रिवॉर्ड लेसी को नहीं जा रहा है तो एसेट लेसर ही रिकॉर्ड करेगा और उसका डेप्रिसिएशन भी लेसर ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो ये मेरा दो टाइप का लीज, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। लास्ट पार्ट इस एएस का, जो मेरे को नहीं लगता आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हाउएवर है तो अपने एक बार देख लेते हैं, सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक बिजनेस एंटिटी जिसके पास एसेट है, ओन्ड एसेट है, उसको पैसे की जरूरत है तो पैसे की कमी पूरी करने के लिए पहले वो एसेट को बेचता है, बेचता है तो एक मोटा अमाउंट उसके पास आता है जिससे वो धंधा चला सकता है। फिर क्योंकि उसको अपना धंधा चलाना है, एसेट की वापस जरूरत है तो वही एसेट वापस लीज पर ले लेता है जिसको उसने सेल किया था उससे। तो जो जो सेलर है, सेलर वो पहले एसेट बेचता है और एसेट बेच के वापस बायर से लीज पर ले लेता है एसेट को यूज करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। पहले सेल किया, वापस लीज पर ले लिया, लीज बैक वापस लीज पर ले लिया वही एसेट फ्रॉम दी लेसर, फ्रॉम दी सामने वाला बायर। हम लोग इसको बोलते हैं, जो आदमी एसेट बेचा हम लोग इसको बोलते हैं सेलर लेसी। सेलर और लेसी, ये भाड़े पर ले रहा है इसीलिए लेसी, इसको हम लोग बोलते हैं बायर लेसर, बायर लेसर। तो सेलर लेसी पहले एसेट बेचेगा बायर लेसर को, फिर बायर लेसर से वही एसेट वापस भाड़े पर ले लेगा और धीरे 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 लीज रेंटल का पेमेंट करेगा। एक्चुअल में ये कोई रियल सेल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक फाइनेंस अरेंजमेंट है। ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू जो बिजनेस एंटिटी है वो अपने बिजनेस में पैसा इकट्ठा कर रहा है सो दैट वो धंधा डे टू डे चला सके। ये एक फाइनेंस अरेंजमेंट है, कोई ये रियल सेल एंड लीज पर लिया हुआ एसेट नहीं है, ये एक फाइनेंस अरेंजमेंट है जो फाइनेंस कंपनी के साथ हम करते हैं। जनरली ये सब ट्रांजैक्शन फाइनेंस कंपनी आपके साथ करती है, वो आपको लोन के रूप में पैसा देती है जब आप एसेट सेल करते हो एंड फिर एसेट भाड़े पर देके धीरे धीरे वही पैसा आपसे वापस ले लेती है विद इंटरेस्ट। ये होता है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। आपको सेल एंड लीज बैक के केस में पूछ सकता है, बताइए जो सेल आपने एसेट किया उसका प्रॉफिट लॉस आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ दी एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो जो भी प्रॉफिट लॉस है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो क्योंकि एक जेन्युइन सेल ट्रांजैक्शन है, जो फेयर वैल्यू चल रहा था एसेट का उसी पर आपने एसेट को सेल किया। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू है, 15 लाख का फेयर वैल्यू है, मैं एसेट को बेच रहा हूं 18 लाख में, सामने वाला बेवकूफ थोड़ी है जो 18 में खरीदेगा, पक्का आज आपने उसको बोला थोड़े ज्यादा पैसे की जरूरत है प्लीज दे दे, मैं तेरे को जो रेंट दूंगा ना वो रेंट बढ़ा बढ़ा के दे दूंगा। अगर आपने बेचा है एट अ प्राइस अबव फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, अप टू फेयर वैल्यू जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू के ऊपर का जो भी प्रॉफिट है वो आपको डेफर करके धीरे धीरे रिकॉर्ड करना है, वो इमीडिएटली आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, अप टू फेयर वैल्यू, WDV और फेयर वैल्यू का डिफरेंस का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो, फेयर वैल्यू और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो आप फ्यूचर में रिकॉर्ड करोगे, धीरे धीरे अभी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर सेल प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू है, लेस देन फेयर वैल्यू, कम दाम में बेचा, आप देखो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं। ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं क्या मतलब कि भैया हमको बेचना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो 2-4 लाख रुपया कम मिलेगा ही जब हम बेचने जाएंगे और फ्यूचर में जो बायर है ना वो लीज रेंटल कम भी नहीं कर रहा है, वो पूरा लीज रेंटल लेगा मार्केट रेट्स पे, वो सिर्फ सस्ते दाम पे खरीदा है। अगर जेन्युइनली हमको सस्ते दाम पर बेचना पड़ा तो प्रॉफिट लॉस जो भी है इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। बट अगर आज मैंने सस्ते दाम पर बेचा जिसके कारण फ्यूचर में मेरा लीज रेंटल कम कर देगा सामने वाला, तो जो भी आपका लॉस है वो आप लॉस डेफर करोगे, धीरे धीरे रिकॉर्ड करोगे ओवर द लीज टर्म।
तो अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, वो बोल रहा है भैया फ्यूचर का लीज रेंटल कुछ कम नहीं होगा, आप एसेट इतना में बेचना चाहते हो तो बेचो, इन दैट केस हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट लॉस दोनों इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। बट अगर जेन्युइन नहीं है, आपको लग रहा है कि आज मैंने एसेट दिया है कम दाम पे, तो फ्यूचर में वो मेरे से रेंट भी धीरे धीरे कम लेगा, तो जो लॉस है वो लॉस आपको डेफर करना पड़ेगा ओवर द लीज टर्म, ओवर द लीज टर्म, और धीरे 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 रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने का है। नॉर्मली ये तब होता है जब लीज जो आप वापस ले रहे हो वो ऑपरेटिंग लीज है। अगर लीज फाइनेंस लीज है, आपने बेचा और वापस फाइनेंस लीज पर ले लिया, मतलब आपने रियल में बेचा ही नहीं, बेच के एसेट वापस खरीद लिया, तो जो भी बेचने का प्रॉफिट लॉस है वो रिकॉर्ड नहीं करना, वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ लीज रिकॉर्ड होगा। ओवर द पीरियड ऑफ लीज इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन धीरे धीरे रिकॉर्ड कीजिएगा। बट आपने आज एसेट बेचा और वापस ऑपरेटिंग लीज पर लिया, ऑपरेटिंग लीज पर, फाइनेंस लीज पर नहीं लिया, आपने जेन्युइनली लीज ट्रांजैक्शन किया, आपने एसेट खरीदा नहीं है, तो जो प्रॉफिट लॉस है वो जेन्युइनिटी के हिसाब से रिकॉर्ड करना। अगर प्रॉफिट लॉस जेन्युइन है इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट लॉस जेन्युइन नहीं है उसको डेफर कर दो ओवर द लीज टर्म। ये मेरे को कम चांसेस लगता है आपके एग्जाम में पूछने का। आपके एग्जाम में जो पूछेगा वो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस लीज, जो आपको अच्छे से करके जाना है। अकाउंटिंग वाइज फाइनेंस लीज इज सेम एज हायर परचेज, जर्नल एंट्री अलग से याद ही मत करना, खाली ये ध्यान रखना लेसी हो गया परचेजर, लेसर हो गया वेंडर, और वही अकाउंटिंग होगा, वही जर्नल्स होगा, सिर्फ वैल्यूज ध्यान पे रखना। ये AS 19 का हमारा शॉर्ट रिविजन। AS 19 पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, जो दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में देख सकते हो आप, या ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लीज लिमिटेड हैज इनिशिएटेड अ लीज ऑफ 4 इयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ व्हीकल कॉस्टिंग 20 लाख, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 इयर्स। 4 साल का लीज, 5 साल का यूजफुल लाइफ, मतलब 80% ऑफ द यूजफुल लाइफ को आपने लीज पर दे दिया एसेट को। अगर आपने 80% यूजफुल लाइफ लीज पर दे दिया एसेट को, तो देन इन दैट केस वो लीज फाइनेंस लीज माना जाना चाहिए। द एसेट वुड रिवर्ट टू द कंपनी अंडर द लीज अग्रीमेंट, वापस 4 साल बाद एसेट वापस कंपनी को दे दिया जाएगा, लेसी खुद एसेट नहीं रखेगा। द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज टर्म इज 2.5 लाख, इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, annual lease payments have been determined in such a way that present value of the lease payment plus residual value is equal to the cost of the asset. This is very important. आपको annual lease rent बताया तो नहीं, but बोला annual lease rent आप निकालोगे कैसे? Annual lease rent निकालोगे present value of lease payments plus present value of residual value which equals to the cost of the asset. जो जो amount पे आपका present value of lease payment और present value of residual value equals to cost of the asset, वो आपका lease payment होगा। असर्टेन इन दी हैंड ऑफ लीज लिमिटेड, लीज लिमिटेड हो गया लेसर, लेसर एनुअल लीज पेमेंट एंड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। आपको बोला एनुअल लीज पेमेंट कैलकुलेट करो और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो। प्रेजेंट वैल्यू फोर्थ ईयर का 0.683, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पूरे 4 साल का इज 3.16987, इसको एन्युइटी फैक्टर बोलते हैं, चारों साल का प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा आंसर टू क्वेश्चन 11, लीज रेंटल्स। आंसर टू क्वेश्चन 11, लीज रेंटल्स में कैलकुलेट करूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ लीज रेंटल, लेट लीज रेंटल बी एक्स, लेट लीज रेंटल्स बी एक्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स जो 4 साल मिलेगा लगातार, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो एक्स इंटू 4 साल का एन्युइटी फैक्टर, एक्स इंटू 4 साल का एन्युइटी फैक्टर 10% फॉर 4 इयर्स, प्लस रेसिडुअल वैल्यू 2,50,000, यहां पे सिर्फ अनगारंटेड है, गारंटेड होता तो उसको भी ऐड कर लेता, इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% फॉर 4th ईयर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट विच इज इक्वल टू 20 लाख। मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है और एक्स इंटू 3.16987 प्लस 2,50,000 इंटू 0.683 इक्वल टू 20 लाख।
तो क्या आप एक्स का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, 20 लाख माइनस दिस वैल्यू, माइनस दिस वैल्यू 2.5 लाख इंटू 0.683, 170750 डिवाइडेड बाई द एनविटी फैक्टर 3.16987। ये आ रहा है 5,77,074। मेरा लीज रेंट आ गया 5,77,074, 577074। नंबर टू, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, लेसर फाइनेंस इनकम कितना रिकॉर्ड करेगा? सबसे पहले लेसर कैलकुलेट करेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज होता है लीज रेंटल जो मिलेगा 4 साल का, प्लस रेसिडुअल वैल्यू जो 4th साल के एंड पे एसेट बेचकर आ सकता है। तो 5,77,000 आपको मिलेगा फॉर 4 ईयर्स, प्लस 2.5 लाख रुपया आपको मिलेगा रेसिडुअल वैल्यू। टोटल अमाउंट हो गया 48 लाख। नहीं नहीं गलती कैलकुलेट किया, 074 इंटू 4 प्लस 2,50,000, 25 लाख, 58,296। ये पैसा हमको 4 साल में रियलाइज होगा, लेसर को रियलाइज होगा। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, इसी का ग्रॉस का प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल और रेसिडुअल वैल्यू ऊपर आपने ये कैलकुलेट उसी के हिसाब से किया 20 लाख। ये दोनों का प्रेजेंट वैल्यू बराबर कॉस्ट है तो 20 लाख हो गया। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, क्या फाइनेंस इनकम लेसर कमाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स? 5,58,296, 558,296 ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स लेसर विल रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 558 जो उसको मिलेगा इन द लीज पेमेंट जो उसने सेट किया है उसमें। वो जो लीज पेमेंट और रेसिडुअल वैल्यू फ्यूचर में है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो वो 20 लाख आ गया। टोटल मिलेगा 25,58,000, 20 लाख प्रेजेंट वैल्यू है, तो एक्स्ट्रा जो 5,58,000 है वो इंटरेस्ट है। ये आज अनअर्न्ड है, हर साल धीरे धीरे वो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करके पीएल में ले जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझना है, क्लियर छे? आप पॉज करके आराम से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। क्वेश्चन 12, वीके लीज्ड अ प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम जीएफ लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रिंटिंग मशीन इज नोन टू बी 5 ईयर्स, 5 साल में 3 साल के लिए ले रहे हैं, 60%, नॉट मेजर पार्ट, मेजर पार्ट के लिए 75% है, नॉट मेजर पार्ट। It was agreed between lessor and lessee that the amount will be paid in 3 installments and at the termination of the lease, GF Limited will take back the said machine. GF Limited वापस मशीन ले जाएगा, यानी मशीन लेसी के पास रहने वाला नहीं है, उसको लेसर को देना पड़ेगा। The following details are available: cost of the machine 15 लाख, unguaranteed residual value 2 लाख, fair value of the machine 15 लाख। नहीं देने का जरूरत है वापस, cost और fair value 15 लाख एक दिन, आज के दिन दोनों सेम होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी 10% हो गया इंटरेस्ट रेट। एनालाइज वेदर द लीज इज अ फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज, असर्टेन द अमाउंट ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। दो चीज करना है, पहले बताना है ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, फिर हमको बताना है भैया अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना होगा। आंसर टू क्वेश्चन 12, जब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जैसी चीज पूछ लेना तो जान लेना वो फाइनेंस लीज ही है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में कभी इंटरेस्ट इनकम आएगा ही नहीं। ऑपरेटिंग लीज में खाली लीज रेंटल इनकम, लीज रेंटल एक्सपेंस आएगा। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछा है मतलब 100% वो एक फाइनेंस लीज है, बस आपको प्रूफ करके देना है। नंबर वन, क्लासिफिकेशन ऑफ लीज, क्लासिफिकेशन ऑफ लीज हमने 5 पॉइंट सीखा था, 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, लीज टर्म के बाद एसेट लेसर का हो जाएगा। जीएफ लिमिटेड, जीएफ लिमिटेड ये ना जिसने लीज पर दिया है, हां, विल टेक बैक द एसेट, विल टेक बैक द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म, वो ले लेगा वापस एंड ऑफ लीज टर्म।
तो इसके हिसाब से तो नॉट अ फाइनेंस लीज, लीज टर्म 3 years डज नॉट कवर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ब्रैकेट में 5 years, तो इसमें भी नॉट अ फाइनेंस लीज, स्पेशलाइज्ड वगैरह परचेज ऑप्शन वगैरह वो सब कुछ है नहीं। नंबर सी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, बताओ लीज पेमेंट क्या होने वाला है। सर लीज पेमेंट कितना होने वाला है वो बताया ही नहीं, तो चलो फिर लीज पेमेंट वापस निकालते हैं वैसे ही वर्किंग नोट 1। लीज रेंटल बोला है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। सामने वाला अगर एसेट देगा तो वो चाहेगा ना उसका कवर हो जाए कॉस्ट, नहीं तो उसका क्या फायदा होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल एक्स मानो, लीज रेंटल को एक्स मानो, मेरे को 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 2.4868 प्लस, मेरे को गारंटीड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बोला है 2 लाख, और तीसरे साल का मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 0.7513 इक्वल टू 15 लाख। तो लीज रेंटल यानी एक्स कितना होगा, 2 लाख इंटू 0.7513 माइनस 15 लाख डिवाइडेड बाई 2.4868 रुपीज 542,672। एक्स हो गया 542,672। अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले कि लीज रेंटल दिया हुआ नहीं है कैसे निकाले, तो भैया नॉर्मली लेसर क्या करेगा, वो बोलेगा भाई 3 साल एसेट दे रहा हूं भाड़े पे, 3 साल के बाद 2.5 लाख 2 लाख तो बेच के मिल जाएगा, बैलेंस मेरे को उससे निकलवाना पड़ेगा, अगर मैं 3 साल नहीं निकलवाऊंगा इनकम के साथ तो मेरा क्या फायदा होगा, तो मैं चाहूंगा 3 साल मेरा 10% का रिटर्न के साथ मेरे को मेरा लीज रेंटल मिल जाए, तो ये अमाउंट मैं उससे लूंगा 542,762 हर साल का लीज रेंटल हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, तो ये हो गया लीज पेमेंट, इसका प्रेजेंट वैल्यू 2.4868 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 13,49,740, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 15 लाख। अगर मैं देखूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट डिवाइडेड बाई फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का परसेंटेज, तो ये परसेंटेज आ रहा है, ये परसेंटेज आ रहा है मेरा डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, 90% के आसपास, 89.98% इज 90%, 90% के आसपास आ रहा है। एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटैंशियली कवर्स, हमने बोला 90% या उससे ज्यादा, सब्सटैंशियली कवर्स फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, substantially covers fair value of the asset, lease is a finance lease। 5 में कोई भी एक condition satisfy हो जाए, हमारी ये last condition satisfy हो गई कि present value of minimum lease payment fair value का 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए। लीज पेमेंट में सिर्फ लीज रेंटल और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आता है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है नहीं इसीलिए सिर्फ लीज पेमेंट आया, अगर गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू होता तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं मिनिमम लीज पेमेंट का पीवी निकालता। तो ये एक फाइनेंस लीज है, पहला क्वेश्चन मेरा यहां कंप्लीट। दूसरा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेसर कैलकुलेट करता है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, लेसर को टोटल कितना मिलेगा 3 साल में, 542,762 3 साल मिलेगा और लास्ट में 2 लाख एसेट बेच के आएगा। 542,762 इंटू 3 ईयर्स प्लस 2 लाख, 18,28,286 नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, और ये दोनों का प्रेजेंट वैल्यू हमने ऊपर लीज रेंटल के कैलकुलेशन में निकाला, वो 15 लाख के बराबर है। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, कितना फाइनेंस इनकम मैं रिकॉर्ड करूं, अनअर्न फाइनेंस इनकम हो गया 1828,286 माइनस 15 लाख 328,286 अनअर्न फाइनेंस इनकम।
3,28,286 टोटल कितना मिलने वाला है लेसर को, माइनस जो उसका प्रेजेंट वैल्यू है, जो डिफरेंस एक्स्ट्रा उसको मिलेगा वो इंटरेस्ट इनकम है जो उसको 3 साल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। डन, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे काम हो जाएगा। सर लेसी अकाउंटिंग कैसे करेगा, अगर इसी क्वेश्चन में कोई मेरे को बोले लेसी का अकाउंटिंग, तो मैं बोलूंगा लेसी सबसे पहले एसेट रिकॉर्ड करेगा, वो एंट्री करेगा, मशीन लिया ना, मशीन प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट, मैं लेसी का बोल रहा हूं, प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू लेसर। लेसी रिकॉर्ड करता है फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, विच एवर इज लोअर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है 1349,740, वो ये सबसे पहले एंट्री पास करेगा, लोअर ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू। फिर उसके बाद हर साल इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट टू लेसर 10% का वो खर्चा हर साल रिकॉर्ड करेगा, 10% का इंटरेस्ट रेट है। फिर वो पेमेंट करेगा लेसर टू बैंक, लीज रेंटल 524 समथिंग जो आया था, 542762, ये हर साल पेमेंट करेगा, और वो अपने एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, क्योंकि एसेट 3 साल के लिए उसके पास है, तो वो 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, 3 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, 1349,740 डिवाइडेड बाई 3 करके हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो सेम चीज लेसी अकाउंटिंग कैसे करेगा, लेसी बस रिकॉर्ड जब पहली बार करेगा फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, एबीडीएफ। डन, यहां तक कंप्लीट। एक छोटू सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की मैट में मैंने देखा था, ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड, ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड मैंने एक छोटू सा क्वेश्चन देखा था, मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। लीजेस का पेज नंबर क्या है, 427, ये छोटू सा क्वेश्चन ऑपरेटिंग लीज पर था, एक बार चेक कर लो सो दैट यू डोंट फेस एनी इश्यू। अरुण लिमिटेड हैज टेकन एन इक्विपमेंट ऑन ऑपरेटिंग लीज फॉर 5 years, 5 years ऑपरेटिंग लीज बोल दिया है। अग्रीमेंट विद द लेसर, इट विल नॉट मेक एनी पेमेंट फॉर 2 years एंड विल हैव टू पे 21 लाख इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 years। बोलो लीज रेंटल का अकाउंटिंग कैसे होगा, पहला 2 साल बोला 0 रेंट, फिर 21 लाख करके देना होगा। अगर ऐसा अनइक्वल रेंट है तो हम पहले इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लाएंगे, टोटल लीज रेंट हो गया 21 लाख इंटू 3 साल 63 लाख, इसको 5 साल में इनकम रिकॉर्ड करना है, 21 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 12,60,000 मैं हर साल इनकम रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं लेसर के बुक्स की बात करूं तो लेसर हर साल देख क्या एंट्री करेगा, लेसर हर साल एंट्री करेगा लीज रेंटल का इनकम क्रेडिट 1260, डेफर्ड रेंट अकाउंट डेबिट 1260 पहला साल, दूसरा साल भी डेफर्ड रेंट टू लीज रेंटल 1260, तीसरे साल से बैंक अकाउंट डेबिट 21 लाख टू लीज रेंटल 12 लाख टू 1260 टू डेफर्ड रेंट, थोड़ा सा क्रेडिट हो जाएगा जो डिफरेंस है, चौथे साल बैंक अकाउंट डेबिट 21 लाख टू लीज इनकम 12 लाख टू डेफर्ड रेंट, थोड़ा सा क्रेडिट हो जाएगा, लास्ट ईयर बैंक अकाउंट डेबिट 21 लाख टू लीज रेंटल इनकम 1260 टू डेफर्ड रेंट जो बचा 840 वो 840 क्रेडिट हो जाएगा। यानी पहला 2 साल 1260 करके 25,20,000 का डेफर्ड रेंट आएगा, नेक्स्ट 3 साल में वो 840 करके रिवर्स हो जाएगा। एंड लेसी में सेम चीज, बस खर्चा बोल के आएगा। लीज पेमेंट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन पीएल ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म। द पैटर्न ऑफ पेमेंट इन दिस केस डज नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन बेसिस, रेदर इट इज अराइजिंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पीरियड। फॉर अकाउंटिंग पर्पस सच इफेक्ट शुड बी न्यूट्रलाइज, दैट इज टोटल पेमेंट ऑफ 63 लाख इन लास्ट थ्री ईयर्स शुड बी स्प्रेड ओवर द इंटायर 5 years, 12,60,000 शुड बी चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ईयर। हर साल में 12,60,000 का लीज रेंटल इनकम, लीज रेंटल खर्चा दिखाऊंगा, मैं पहले साल जीरो खर्चा और लास्ट 3 साल में 21 लाख का खर्चा नहीं दिखाऊंगा, वो गलत है। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आपको खर्चा या इनकम दिखाना पड़ेगा। डन, दिस कंप्लीट्स माई डिस्कशन एंड क्वेश्चन ऑन लीज अकाउंटिंग। जो अब मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए वो थोड़े बहुत देख लीजिएगा, आपका लीज अकाउंटिंग कंप्लीट, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। थैंक यू सो मच एवरी वन, बाय।
फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो नवीन क्लासेस।